क्लास चल रहा था 19 दिसंबर 1965 तीसरे पेज में बात चल रही थी। एक बाप के सब बच्चे हैं और आत्मा आत्मा भाई भाई अपने भाइयों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं माँ मेरी कम याद करो, माँ मेरी कम याद करेंगे तो तुम मुक्ति धाम में जावेंगे, सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। दो अक्षर भी याद करके समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है। कृष्ण बच्चा तो हो न सके। अभी बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, मां में कम याद करो। आत्मा इस शरीर रूपी प्रकृति का आधार लेकर के यहां पार्ट बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि वो अभी बैगर है और तमो प्रधान है। सभी की पुरानी ज्योति है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी लास्ट जन्म में होगा। गीता में भी है, ये मैसेंजर को भी आकर जगाती हैं, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है ना। सबको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चल करके ये भी मानेंगे कि हाँ कलयुग का अंत है। आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई में भगवान नाम है ना, परंतु नाम बदली करके कृष्ण बच्चे का डाल दिया है। विनाश और स्थापना करना ये तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर ईश्वर के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आ करके बैकुंठ के द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आए द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। इन बातों को समझेंगे फिर भी जिन्होंने कल पहले समझा है। हम आत्मा पंडे हैं, अपने शांति धाम ले जावेंगे। शांति धाम जाए फिर सुखधाम आना है। इस दुखधाम का विनाश होना है, उसी के लिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में डिटेल सारी बातें हैं। बनमना भव मद्याजी भव, इसी में तो सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेज फुल है, तुम बच्चे भी मस्त बनते हो।
सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, इसके बदले में तुमको फिर विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। ये फर्क रहता है, दिव्य दृष्टि का पार्ट भी तुम्हारे ही काम आता है। भावना के भूंगड़े दे देते हैं। बाबा ने समझाया है जगदम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता है। तो देखो कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं, कि भाई धन मिलेगा। अब भक्ति मार्ग में तो मिलते ही हैं भूंगड़े, ज्ञान मार्ग में तुमको ही नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी के पास जाए उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे, उनको ऐसे नहीं कहेंगे बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। ये सब आशाएं जगदम्बा के पास ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से सारा सोझरा मिल गया है बच्चों को। तुम बच्चे कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान देर विनाश, तुम ड्रामा की आदि मध्यंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है। तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रखना चाहिए। वो पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, मिलता क्या है, भूंगे रे। ये पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिल जाते। अब पुरुषार्थ करना तो बच्चों का काम है, ना पढ़ते हैं इसमें टीचर क्या करेंगे। कृष्ण की तो पढ़ाने वाले टीचर की बात ही नहीं है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, योग बल से विकर्म विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नाली से तुम कितना ऊंच बनते हो। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। मनुष्य कितने गंगा स्नान आदि करते, फायदा कुछ भी नहीं। तुम लिख सकते हो कि पानी नदियों में स्नान करने से दुर्गति होती है, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा ज्ञान स्नान करने से ही सदगति होती है। यहां गंगा का मंदिर भी है। अब वो देवता तो है नहीं, देवताओं के मुख से ज्ञान निकलता नहीं है। तुम तो ब्राह्मण हो, जगदम्बा भी ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ब्राह्मण है ही संगम योग पर। प्रदर्शनी में भी ऐसे ऐसे चित्र होना चाहिए। ये ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ज्ञान सागर से ही ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान से सदगति इन ज्ञान गंगाओं से होती है, न कि पानी से। उस पानी से तो और ही दुर्गति होती है। भक्ति है ही दुर्गति मार्ग, ज्ञान है सदगति मार्ग। ज्ञान मिलता ही है संगम पर, बाकी तो सब भक्ति है। बच्चों को समझाने की युक्तियां भी मिलती रहती हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार जो कल पहले समझाया है वो ही समझाते रहते हैं। और बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि तो होनी है बहुत, तो बच्चों को दानी बनना है। जो कोई भी आवे उनको कुछ न कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है, यहां जितना धारणा होगी उतना धारणा घर में नहीं होगी। शास्त्रों में भी मधुबन तो मशहूर है, वहां मधुबन में ही मुरली बजती है। अच्छा, माता पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।